एक लिख कर यहाँ कॉर्नर पे है ना प्लस का साइन, इसको ऐसे कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिए ना, यहाँ बी से लिखे इस पर डबल क्लिक कर दीजिए कॉर्नर पर, देखिए हम लोग को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक तरीका तो आपका यहाँ से है कि दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से देखिए यहाँ दिया हुआ ऑटो सम, क्या दिया हुआ है ऑटो सम है ना, इससे भी जोड़ सकते हैं ठीक है। एक दूसरा तरीका कैसे है आपका इक्वल टू सम है ना ओपन ब्रैकेट, ये आपका सेल का नाम क्या है डी टू, क्या नाम है डी टू, तो अगर चाहते हैं कि डी टू हम नहीं लिखे तो डायरेक्ट उसके लिए भी क्या करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे ठीक है, फिर कॉमा दे देंगे और यहाँ पर ई टू ब्रैकेट बंद कीजिए ठीक है। चला आया एक तरीका आपका ये भी जोड़ने के लिए है, अगर मान के चले यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहता और तब टोटल रहता और सब को अगर हम लोग को जोड़ना रहता, मान लीजिए इसमें भी रहता नंबर आपका, मानिए सब को एक साथ कैसे जोड़ते हैं तो इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट है ना, ये 50 दिए स्टार्टिंग सेल एड्रेस कोलोन दे दिए, अब कोलोन देने के बाद क्या करेंगे स्टार्टिंग सेल एड्रेस और एंड सेल एड्रेस, एंड कौन है आपका एफ टू, क्या है एफ टू, वह स्टार्टिंग सेल एड्रेस देना और एंड सेल एड्रेस देना है ना ब्रैकेट बंद, तो क्या किया तीनों को जोड़ दिया है ना। एक तरीका आपका ये भी है जोड़ने का, आप चाहिएगा तो यहाँ इक्वल टू 50 प्लस है ना 42 प्लस है ना 20 ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, और जब एक जोड़ दिए तो इस पर डबल क्लिक करके भी आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें एक एरर क्या आया कि देखिए 50 जो लिख दिया और 42 लिखे और 20 लिखे तो इसमें क्या हुआ सबका यही आ गया, तो कभी भी एक्सेल में जब हम काम करेंगे तो सेल का रेफरेंस देंगे, क्या देंगे सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस किसको कह रहे हैं यहाँ पर जैसे डी टू, सेल का नाम क्या होगा डी टू प्लस ई टू प्लस एफ टू, ऐसे दीजिएगा तब आप सब पर डबल क्लिक करिए देखिए सबका सही से जोड़ दिया ठीक है। तो एक आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, अब घटाने के लिए क्या करेंगे मान लें 50 में से 42 घटाना है तो क्या करेंगे डी टू माइनस, माइनस का चिन्ह देंगे यहाँ से ई टू है ना, देखिए घट गया, फिर अगर हमको गुना करना है तो इक्वल टू प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट लिखकर अगर तीनों को करना है तो इसे इस तरह से ड्रैग कर दीजिए है ना, यहाँ से इसको कर दिए, अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सबका गुना कर दिया, एक तरीका ये भी है गुना करने का इक्वल टू डी टू एस्ट्रिक्स है ना ई टू एस्ट्रिक्स एफ टू, ऐसे भी आप गुना कर सकते हैं, फिर डबल क्लिक कर दीजिए, अगर कोई बोल दिया कि नहीं भैया हमको डी टू और एफ टू को गुना करना है तब क्या लिखेंगे डी टू एस्ट्रिक्स है ना एफ टू, ऐसे करके गुना कर सकते हैं, तो इस तरह से गुना कर सकते हैं। एक आपका दिया एवरेज, एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज है ना ओपन ब्रैकेट दिए, यहाँ से तीनों को सेलेक्ट कर लिया ना, यहाँ देखिए एवरेज निकल गया, एवरेज क्या करता है तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद तीन से भागा दिया, तीन से भागा क्यों दिया भाई क्योंकि इसमें तीन सब्जेक्ट है ना, तीन सब्जेक्ट तीन से भागा दिया, अगर पांच सब्जेक्ट रहता तो पांच से भागा देता, इस तरह से एवरेज निकाल सकता है। अब उसके बाद आपको आगे क्या दिया है पढ़ने के लिए, तो देखिए हम लोग क्या क्या सीख गए इसमें, जोड़ भी समझ गए, घटाओ भी समझ गए, गुना समझ गए, भाग समझ गए। एक आपको दिया है क्या भागा के लिए, देखिए पहले क्या करना है इक्वल टू, मान ले 50 को भागा देना है किससे भाई स्लैश देंगे फॉरवर्ड स्लैश, इसको क्या बोलेंगे फॉरवर्ड स्लैश ई टू, देखिए भागा भी दे दिए हम लोग, तो इस तरह से कर सकते हैं। एक आपको दिया है इसमें क्या स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट देखिए क्या करेगा, मान ले अगर हमको निकालना है इक्वल टू एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट कितना का निकालना है 25 का स्क्वायर रूट निकालना था, पपचे 25 है ना, इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फिर देखेंगे इक्वल टू फैक्ट, फैक्टोरियल निकालना है ना, तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा 5 4 3 2 1 है ना, मतलब 5 4 3 2 सबको गुना कर दिया कितना आया 120, तो इस तरह से फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। एक है आपका मीन, मीन मतलब मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू, मीन क्या करेगा आपको सबसे छोटा वैल्यू, जैसे कहता है इट विल रिटर्न स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन लिस्ट, तो अगर हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लें, जानना चाहेंगे कि इसमें सबसे छोटा लिस्ट कौन है भाई मिनिमम वैल्यू, तो देखिए 20 निकल के आया है, यहाँ पर 20 है। एक आपको दिया है क्या मैक्सिमम वैल्यू, बड़ा वैल्यू, यहाँ मैक्स लिख दिया, मैक्स लिख कर मान ली इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अब जानना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो देखिए 62 निकल के आ गया ठीक है। उसके बाद आगे दिया आपको क्या मोड, मोड में क्या बताएगा मोडुलस है ना शेष भाग, जैसे अगर हम चाहेंगे कि 42 को भागा देना है कितना 6 से, तो 6 से देंगे 7 6 42, तो 7 6 42 हो गया, वैसे मत कीजिए 5 से भागा दीजिए है ना, तो 8 5 40 शेष कितना बचेगा 2, तो ये रिमाइंडर वैल्यू शो करता है, मोड क्या करेगा रिमाइंडर वैल्यू करता है, इट विल रिटर्न रिमाइंडर वैल्यू है ना। तो एक आपको दिया है क्या राउंड,
देखिए राउंड क्या करता है, आपको राउंड में गया अगर हम दिया 65.856.2 मतलब कहता है कि राउंड कह रहा है आपको क्या, इट इज यूज टू राउंड द डेसिमल नंबर अप टू गिवन नंबर ऑफ प्लेसेज, है ना। तो इसका फार्मूला क्या बता रहा है, राउंड सेल नेम या डेसिमल नंबर, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट आफ्टर डेसिमल, जैसे दशमलव के बाद कितना अंक लेना है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है 85, और बाद का अंक कितना है 6, तो 5 या 5 से ऊपर रहेगा तो एक बगल में प्लस हो जाएगा, तो 5 कितना बदल जाएगा 6 में, मतलब दशमलव के बाद देखिए 2 अंक कौन हो गया आपका 8 और 5, और बाद का अंक कितना है 6, तो 6 क्या, अभी हम क्या बताए थे कि 5 या 5 से ऊपर रहेगा तो एक बगल में प्लस होता है, तो 5 कितना बदल जाएगा 6 में, ठीक है, तो क्या आएगा 65.86। तो इस तरह से आप पूरा राउंड कर दिया, कोई दिक्कत समझने में। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे, अभी जोड़ने के लिए हम लोग समझ गए किस तरह से हम लोग किसी चीज को जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ने में देखिए एक चीज और आप समझने के बात है, कहीं माने इंटरव्यू में जाते हैं, मान ली दे दिए इस तरह से जोड़ने के लिए कि भाई जहां तहां लिखा हुआ है इसको जोड़ो, तब हम क्या करेंगे भाई, तो देखिए कुछ नहीं दिमाग लगाना है ज्यादा, देखिए इजी तरीका है, इक्वल टू सम लिख दिए ओपन ब्रैकेट, एक यहाँ क्लिक किए कॉमा, 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 कॉमा नहीं दीजिए लास्ट में, कोई है नहीं इंटर, तो इस तरह से आप आसानी से जोड़ सकते हैं।